नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव में सियासी परिवारों की नई पीढ़ी की चर्चा भी खूब हो रही है। हरियाणा चुनाव में आप की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, कुल 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अब तक 29 कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। डोभाल इस दौरे पर अक्टूबर में कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स एनएसए बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान डोभाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए इसमें चर्चा कर सकते हैं। सुल्तानपुर में 1 लाख इनामी मंकेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में पुलिस और यूपी एसटीएफ की थ्योरी भी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जब यह पूछा गया कि जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की आलोचनाओं से भरा आर्टिकल छापा, लेकिन फिर विवाद होते ही इसे हटा दिया। भारत में सोमवार को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में एमपॉक्स वायरस का एक अलग मामला सामने आया है। बजट में सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी घटाने के ऐलान के बाद इसमें दाम में भारी गिरावट देखने को मिली थी और सोना सस्ता होने से इसकी बिक्री में भी उछाल आया था। सोनप्रयाग में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई है, 5 लोगों की मौत हो गई है। विदेश में देश की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा करना देशद्रोह, बोले शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान अजमेर में ट्रेन को डेरेल करने की साजिश, आरपीएफ ने दर्ज की एफआईआर। शिक्षक भर्ती मामले पर बोली मायावती, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न हो अन्याय। हॉलीवुड अभिनेता और स्टार वॉर्स में डार्थ वाडर की आवाज रहे जेम्स अर्ल जोन्स का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोलकाता के विशेष सीबीआई कोर्ट में आज डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 3 आरोपियों की पेशी होगी। जेके विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची, 19 उम्मीदवार उतारे। पीटीआई सांसद और पार्टी अध्यक्ष गौहर खान नेशनल असेंबली से गिरफ्तार। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की अमित शाह के घर बैठक, बची हुई विधानसभा सीटों को लेकर हुआ मंथन। हरियाणा विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करेंगे नामांकन। बराइश में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, टीम ने 5वें भेड़ियो को भी पकड़ लिया है। अब आखिरी और छठे आदमखोर भेड़िये की तलाश है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एसआईएम सम्मेलन में वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर बड़ी बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह पेट्रोल और डीजल के खिलाफ नहीं है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।